इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत, तो देर किस बात की। इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, बीएसएनएल क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ की बाइक रैली। 26 अप्रैल को बीजापुर आ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा में सभी लोगों से शिरकत करने की गुजारिश। लोकसभा चुनाव में सभी दल चुनावी मैदान में दमखम से उतर चुके हैं और अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए नेता और स्टार प्रचारक रैलियां, रोड शो और जनसभा कर अपने उम्मीदवारों को जिताने के प्रयास में जुटे हैं। इसी कड़ी में बीजापुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार प्रोफेसर राजू अलगुर के चुनाव प्रचार के लिए 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को 11 बजे बीजापुर शहर के सोलापुर रोड पर स्थित बीएलडीई न्यू कैंपस ग्राउंड में कांग्रेस के स्टार प्रचारक, एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करने के लिए आज 25 अप्रैल 2024 गुरुवार को कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ के नेतृत्व में कांग्रेसी शहर के हकीम चौक से एक बाइक रैली निकालकर गच्ची महल, झंडा कट्टा, जुम्मा मस्जिद, बड़ी कमान, अताउल्ला चौक, तेकड़े गली, पीडीजे स्कूल, खादी भंडार सर्कल, अथनी गली, बस स्टैंड, मीनाक्षी चौक, नौबाग नई रोड, इब्राहिम रोज़ा, पानी टाकी, अफजलपुर टक्के होते हुए हजरत ख्वाजा अमीन दरगाह तक शहर भर में बाइक रैली के जरिए घूमकर लोगों को कल यानी 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जनसभा कार्यक्रम में शामिल होने की गुजारिश की गई, जिसकी जानकारी हमसे बात करते हुए कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ ने देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। और साथ ही बीजापुर जिला कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष वैद्यनाथ कर्पूरमठ, जलनगर ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष और कॉरपोरेटर आरती शाहपुर ने बात करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विजयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी VDA अध्यक्ष कन्नान मुशरिफ, बीजापुर जिला कांग्रेस समिति के प्रधान कार्यदर्शी अशफाक मनगोली, बीजापुर सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट अब्दुल पीरा जमखंडी, बीजापुर जिला कांग्रेस माइनॉरिटी घटक के उपाध्यक्ष ताजुद्दीन खलीफा, फैयाज कलादगी, सद्दाम इनामदार, भारती वसमनी, आसमा कालेबाग, इलियास सिद्दीकी के अलावा कांग्रेस के और भी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे मौजूद। आज हकीम चौक से अताउल्ला चौक ने शाहपुर दरवाज़ा, ख्वाजा अमीन दरगाह तकैया, यहाँ से बड़ी कमान होते हुए अताउल्ला चौक, बस स्टैंड, मीनाक चौक, इब्राहिम रोज़ा, शाहपुर दरवाज़ा, तकैया, ख्वाजा अमीन दरगाह तक जा रहे हैं। मैं नफरत की दुनिया छोड़ को भारत जोड़ो, दिल जोड़ो, हमारे राहुल गांधी साहब कश्मीर से कन्याकुमारी तक करे थे। वो आज कल सुबह 11 बजे सोलापुर रोड को आ रहे हैं। तमाम लोग हमारे राहुल गांधी साहब आ रहे हैं, सिद्धरामैया साहब आ रहे हैं, DK शिवकुमार साहब, MB पाटिल साहब, शिवानंद पाटिल साहब, तमाम लोग आ रहे हैं। हमारे जिले के तमाम लोग भी बीजापुर को आ रहे हैं। तुम्हें भी सब भी मिला को आओ बीजापुर। जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कहेंगे? अक्सर देखा गया है कि बीजापुर में वोटिंग परसेंटेज की वजह से उम्मीदवार हार जाते हैं, इसके लिए कांग्रेस ने क्या कदम उठाया है? ये बार हमें हमारे समाज तरफ से और हरेक समाज तरफ से 100% वोटिंग करना करके हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये बार हमारे कांग्रेस पार्टी को वोट दो, चुन को लाओ, फिर एक बार हमारे राहुल गांधी साहब आ रहे हैं। सबको विनंती करते हैं, सब भी मिला को आओ।
कल राज्य की कांग्रेस सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, ओबीसी में मुसलमानों को जोड़ने का फैसला लिया है, जिसको लेकर नेशनल प्लानिंग कमीशन से भी सर्कुलर जारी हुआ है जो 2012 जाति जनगणना के तहत किया गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा कदम उठाए हमारे सिद्धरामैया साहब, उनको स्वागत करते हैं, हमें धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तो ये पूरे कास्ट को, हमारी कास्ट हो सब कास्ट को भी अनुकूल होता है उनकी जाति गणता, हमारा क्यों तो हमारा ये भी है, शिक्षा में होती, नौकरी में होती, सबको अनुकूल होता है हमारे लोगों को, उनको हमें बहुत धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने जो अब नया हथियार अपनाए हैं कि अगर कांग्रेस अधिकार में आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी 70 वर्ष की सरकार रहती है, ये मंगलसूत्र एक हमारे औरत का एक सुहाग है, वो क्यों छीन लेते हैं? वो उनको आदत है, इससे पहले उनको अमेरिका वीजा की नहीं देते, गोदरा दंगा कराए कर कुछ नहीं देते उनको, वो आदत है, वो बोलते चलते हैं उन्होंने बीजेपी वाले। तो अब जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जनता को हमें हमारी सरकार लाओ कर विनंती करते हैं, जो भी हो हमारे सरकार के अच्छे काम हैं और गारंटी है, हमें सब गरीबों को सबको अनुकूल होने काम कर रहे हैं। गारंटी के अलावा यहाँ के उम्मीदवार ने अपने तरफ से भी विजन बीजापुर 10 विजन दिए हैं, ये हमारे गोल घुमट सुरक्षा, गोल घुमट को एक तो पब्लिक आ रही, क्या बाहर की पब्लिक आती थी, ऐसा रेल रात के 9 बजे छोड़े तो बेंगलुरु में हैदराबाद बॉम्बे गए सरकार, ऐसा सब अनुकूल करने का हमारे 10 विजन दिए हमारे। अगर आपके उम्मीदवार आएंगे तो ये तमाम वादे पूरे करते। मैडम मंगलसूत्र बगे देश प्रधानमंत्री नानू सदर्भली मान्य मोदीजी ऐनपड़ती मंगलसूत्र ಏನಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಮಂಗಲಸೂತ್ರ ಕಿತ್ಕೋತಾರಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಡವೇನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು ಅದರ ಅಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಐತಿ. ನಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿರೋ ಮೋಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನೀವು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಂದ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಮಂಗಲಸೂತ್ರ ಕಳ್ಕೊತೀರಿ, ಮಂಗಲಸೂತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅರ್ಹತೆಯೂ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗಾಂಧಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾಳೆಗೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಾಗ್ತಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ಸಮಾಜಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಸಹೋದರತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅವ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತಿಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಇವನನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಂತು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಏನೂ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಮಾತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಒಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರೀ, ಮತ್ತು ಬಸ್ ಫ್ರೀ, ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ರೀ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಫ್ರೀಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅದ. BJP ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆರಿಬೇಕಾಗಿದ್ದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೀತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜಯ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ. Yeah.
आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।